इतने सारे फूल हमने निकाले हैं और आराम से खाएंगे इसको बैठे बैठे। अब छिराड़ा होगा या क्या होगा पता नहीं बाद में, लेकिन ये फिलहाल तो एप्लीकेशन तगड़ी है भैया। कोलम आज सुबह सुबह जो है हम लोग ये लहसुना बीज गाने, ये लहसुन थे हमारे जो खेत पे हो गए थे और कुछ छोटे छोटे दाने ऐसे इसके अंदर फंस मतलब रह जाते हैं, दिख रहे हैं लहसुन के अंदर, ये लहसुन सारे खेत में हुए थे हमारे और दवाई का काम आ गया, इतने दाने हमने निकाले हैं। दवाई का काम आ गया, केसी दवे काम होनी हो बायो। बायो, अच्छा बायो मतलब कुछ जोड़ो, हाँ, गैस की तो अच्छा गैस, गैस ना की, जोड़ के दर्द गया, हाँ जोड़ के दर्द जोर दर्द गया। गैस सब ना। अभी जस्ट नाश्ता किया है, सो फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है सीधे पहाड़ से, मैं आपका अपना रिंकू पहाड़ी। थोड़ी देर पहले जो है मैं अभी मार्केट गया था, मार्केट मतलब अपने सिलंगसारी, तो वहाँ पे जो है वहाँ से आया हूँ मैं, मिस्त्री को लगे उनके लिए चाय देने के बाद गया मैं मार्केट, उनको 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 जो है थोड़ा सा एक बिस्किट का पैकेट लाए हैं। और इस हाँ नहीं देखो फिर से एक बार, क्या कहनी तू है पापा मेरे मामी चले दुकान कौन गिरा? में, मेरे चौथे पापा में चले, मियांवाद में मिठले के मुझे दुकान दे, मिठले के यानी मेरे माँ चौथे में चले के मिठले लेके हैं क्या खाने भी थर नेपाल नेपाल कहाँ ली पड़े, कहाँ ली पड़े पहले बताओ, ये गंदू करे कैमरा बताओ कहाँ कहाँ ली पड़े हैं लिंकू भैया हूँ। चल मैं जोंच, हाँ मैं जोंच भाई, मैं जी चटन पिसने कन की, हाँ चल मैं जोन से मिल भात पकूं, सुहाने तेल में भात पकूं डियर में यो शेग तब तो लीपल तब तो शोल में चतन के लिए चतन के गुणन की। अच्छा मैं जोन तो बाय कर दे, बाय कर दे किसे बिन रोटी बनो मी रोटी बलीन कन की रोटी बनो अंगे। अच्छा रोटी बनती है अनके टाइम क्या हुआ? चलो बाय यार मैं जो मैं भात पकोड़ना भी नहीं, मम्मी मामी कससे गया दिल, मैं बोले हाय को तिन कमाल करन फले बटी कुछ काम धंधा नहीं केन दिल। तो अभी ये सारे बर्तन धोने के बाद माता जी यहाँ पे देखो मस्त रोट टमका रही है पुंवर से आने के बाद, प्याज में प्याज में अब डरा प्याज, घर के प्याज हमारे हो रखे थे यहाँ पे माता जी के लिए, लोगों को मत दिखाना तो लोग मांगेंगे ज्यादा नहीं, हमारे थोड़ा सा प्याज हो रखे 2-3 किलो के आसपास और मतलब ज्यादा नहीं है वो, हमारे 2-3 महीने चल जाएंगे ना, दो तीन यौ महीने, हाँ 2-3 किलो प्याज हो गए हैं बस, अभी चावल बनाना है। साग साग क्या बोली माँ तू? कापुली कापुली भात अभी में, लेकिन उससे पहले हम खाएंगे छा, थोड़ा कम ही खाते हैं अभी ज्यादा नहीं। लखा मुझे अभी जो है मैं निकल रहा हूँ अपने भैंस को जो है, भैंस और गाय को पानी पिलाने के लिए, पानी नहीं उनको बाहर निकालने के लिए, और पानी सुबह माता जी ने पिला दिया था, अभी उनको धूप सेकने के लिए बाहर निकालना पड़ता है। तो गुड़िया और बिन्नी हमारी दो नौनी, उनको दो रोटी ले जा रखा हूँ मैं अलग अलग, एक गुड़िया को देंगे एक बिन्नी को देंगे क्योंकि पड़ी थी टोकरी में, तो मैंने कहा। और ये हमारी बहन भी आ गई, बाने दे भैंस बिहारगढ़ कथीगढ़ योगढ़, अरे यो चले ना, अरे अरे रे रे रे। तो आज जो है हमारी चाची की जो गाय थी ना, मैंने बहुत पहले जो है यूट्यूब पे बोला था अगर किसी को गाय चाहिए तो ले आ सकता है, साथ में जो है एक छोटा सा बछड़ा जो है फ्री में देंगे, तो पता नहीं किसने वीडियो देखी होगी किसी जगह से, और फाइनली जो है गाय बिक चुकी है मतलब किसी और के घर जा चुकी है। हैं अरे यू जरा भैंस, अरे मैं और रोटे टूटी बाट में तू मिलो तो ले जाए, हाँ आपको करूँ कि भाई तू आई कैसे भोंग जाए ना भोंग, अच्छा टेंटिया टेंटिया क्यों बोलूँ, अच्छा टेंटिया, मैं भी नया घास का नाम सुन रहा हूँ टेंटिया। तो हाँ कबिल उनकी जो है गाय भैंस नहीं ओनली गाय चले गई है कहीं और किसी और जगह, ओहो तो इस चक्कर में अभी एक ही भैंस है बस, हो अकेली हो गई तू, आज गाय नहीं है इधर, और हम जो है अपने बछड़े को यानी कि गुड़िया और बिन्नी को निकालते हैं।
ओहो ना बैठ। रोटी खाएगा? एक रोटी तू खाएगी, एक रोटी तू खाएगी, ठीक है? हाँ, पहले घास डालना बहुत जरूरी है इनके सामने, ताकि ये मारने के लिए ना आए। उसके बाद जो रस्सी है ना भाई साहब, ये भी खिसकानी पड़ती है इस तरफ। नहीं तो फां मार देती है। अभी जो है घास वगैरह दे दिया, ये हमारी सूखी घास देते हैं हम लोग, और ये बांस के पत्ते, और ये हरी घास कटी हुई, और मारने आ गई थी हमारी बिन्नी को भी। हमने सूखी घास दी है, हरी घास दिया है, और ये बांस के पत्ते है ना बिन्नी, बिन्नी खा रही है बड़े प्यार से। बिन्नी कैमरा लगा एक, टिंग 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 टिंग। तब अब अनु, उनकी एक आदत है, ये बिल्ली और कुत्ते को इतना पितोड़ते हैं, इतना पितोड़ते हैं कि उसकी मतलब पूरी वो निकाल देते हैं जान। क्यों? देखो कितनी पतली कर रखी तुमने बिल्ली ली। और आज जो है स्पेशल, हम लोग अनु उनके घर पे आए हुए हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पोलम बहुत स्पेशल है इनके यहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने इनका पोलम का डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पोलम पाको मिलने चेको। हाय सैंडी, और सैंडी कैसा है तू? ये कुछ ऐसी तैयारियां हो रही है त्रिपाल लेके जो है पोलम के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने गांव में कहीं और भी देना है, अपने जो रिश्तेदार को देना है, ऐसे कह रहे थे ये, नहीं तो ये कल गायब हो जाएगा सारा। तो ये बंदर भी आजकल बहुत आ रखे हैं पोलम के लिए, पर पता है बंदरों को खाने दो यार। देखो हम लोग मोदी के राशन खा रहे हैं, अपने पुंगड़े के राशन खा रहे हैं, बंदर क्या खाएंगे बताओ? बंदर क्या खाए? अरे जंगल में जब जंगली जानवर नहीं रहेंगे तो जंगल कहाँ से होगा, है कि नहीं? जंगल का नुकसान तो हम ही नहीं कर रहे, ना भरपाई भी करेंगे हम। हाँ हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है जंगल में जंगली जानवर होना चाहिए, तो किस बात का जंगल है? हाँ हाँ, ये है क्या? ये अनु का, ये क्या है? देखो पहाड़ी जिम। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तेरी फोटो तो ऐसे लेंगे हम। रुको, हाँ खींच खींच ना, रुक ऐसे लेंगे आप, खींच। हाँ तुम यहाँ कैमरा ना देता, बढ़िया बढ़िया, घर में सब होना चाहिए। और भैया मेरे को डालो, गाड़ी आ रही होती पोलम, और यहाँ पे जो है मीठे मीठे पोलम निकालेंगे। काफल, काफल आजकल मतलब बहुत कम हो रखे हैं हमारे इधर, कुछ बारिश ने नुकसान कर दिए हैं, वैसे मेरे ख्याल से होंगे, अभी टाइम है, उड़ेगा धीरे धीरे, काफी ना काफी भले, बट पता नहीं क्यों बने काफल नहीं जब ये बार, बट पोलम तो छेच हरियाणा का रे, हरियाणा का ना मणि बांधरो में उड़ जाओ, अब जो लाल लाल मीठे मीठे है ना, जन्म जन्म का आशु की हो गाड़ी हो। एक लाल निकालेगा, एक लाल तो ज्यादा ना, 8-10 निकाल के। आहा, ये किस्मत देखो, सामने ये पोलम है बढ़िया वाला, बहुत लाल है भैया, उससे भी लाल दिखाओ। ओह नो 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 नो, धोखे खाना चाहिए वरना फूका। ये शुद्ध है भाई, शुद्ध है कैसे? पेट से सीधा निकाल रखा, और उन्होंने दवाई डाली रहती। हो सकता है। अनु देखो, अब वो देखो, बाप ये हम लोगों ने, हम ले इतनी लाल, बाप रे इतनी लाल, उन्हें फोड़ा भी नहीं आ रहा। अभी सब चले गए खेतों में, हम लोग जो है पोलम चोर रहे हैं। ये देखो हरे वाले हैं, पर क्या करें, बहुत हैं लाल वाले भी, लाल वाले अनु दे रहे हैं। निकालो, हां बात जान, कमले से भले करे तुम रोड़े ना, अभी मैं अरे यो तो यम में हुई दे दियो। और कुछ हम अब निकालेंगे ये वाले डंडे से, डंडे से। ओ सोचो इतने सारे पोलम हमने निकाले हैं, और आराम से खाएंगे इसको बैठे बैठे। अब छिराड़ा होगा या क्या होगा पता नहीं बाद में, लेकिन फिलहाल तो तगड़ी है भैया। पोलम है ये, देखो ये कैसे उछल रहा, वो ये थप्पड़ मारो नो, क्योंकि यहाँ पे जो है आटा वगैरह गूंद दिया है, और चाय बनी भी थी। ओहो तो हम चाय बनाते हैं, पहले आग जलाना है, पानी भरना है, और फिर आटा गूंदना है, चाय बनाना है। बाप रे, पोलम खा के आज पता नहीं क्या होगा, अब क्या नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। तो पोलम खाली दाल भी है, अभी भी खा।
विधि जो आजकल जो है सिलाई का काम सीख रही है, इस चक्कर में लेट आ रही है थोड़ा। नीता नीता सिलाई का काम सीख रही है इसलिए थोड़ा लेट आ रही है, तो वाले बोलते हैं ज़्यादा लेट क्यों हो गई। ओहो पानी भरते हैं। हमारे जो है दो नलके हैं, इस एक में आज गंदा पानी आ रहा है पता नहीं जंगल से, और दूसरे में देखते हैं पानी आ रहा कि नहीं। अभी मुँह हाथ धो रहा था मैं तो उसमें तो नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा, साफ पानी भरना पड़ेगा। वो तो हो जाना है। चलो जने वाला भाने बोलो। अरे को युवा पे ये तो बेकार था, इसको भी लग रहा था क्या था ये नाड़ी खा रहा है। नाड़ी खा रहा है तुम ये बार मुखा दीजिए ना तो जहाँ भरते हैं। दादा हो गई पूजा, दादा की पूजा हो गई, अब हमारा आग जलाना बाकी है। आग जग जा, जगना चाहिए, अच्छी वाली आग जगनी चाहिए, और फिर हम इसमें गर्म पानी रखेंगे कटोरी में भर के सबके। माँ और पहुंचे हो? अरे हो जाओ, ये रवा रवा रोटी हम लोग डेली बनाते हैं रात को, जब भी हमारे यहाँ पे आटा गूंथता हूँ मैं तो उसमें गेहूं और हल्का सा मंडवा मिक्स कर देता हूँ ताकि जो है टेस्ट आए बढ़िया वाला, और आटा गूंथता हूँ मैं। फिर आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाकी सब्जी देखते हैं क्या बनाएं क्या नहीं, आटा गूंथता हूँ मैं, मिलते हैं, बाय।